साबिल से मैं सारे सनकॉन का ब्रीडिंग पेयर में पकड़ लिया, और कलर आपको मैं दिखा सकता हूँ क्या बेहतरीन सारे सनकॉन लेकर जाऊंगा कोलकाता के डांगकुनी में, और सारे बर्ड्स को मैं केज में एक साथ मैं लूंगा, क्योंकि 4.5 घंटा का टूर है, मैं पहले इसको आराम से रख देता हूँ, शेयर करूंगा कैसा रहा टूर, क्या रहा टूर। तो दोस्तों चलिए, तो हाय दोस्तों, जितने लोग भी हमारे YouTube चैनल दुर्गापुर बर्ड फार्म देख रहे हैं, मैं अभिषेक आपको दुर्गापुर बर्ड फार्म में स्वागत करता हूं। मेरा जो पर्सनल चैनल पैरोट अभिषेक, आप लोग YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं पैरोट अभिषेक, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा है या तो चैनल के फीचर्स में भी पैरोट अभिषेक दिया हुआ है। तो दोस्तों ये 10 पेयर आज मैं ब्रीडिंग पेयर लेके जाने वाला हूँ डांगकुनी, और डांगकुनी में आज उसे मैं ये सन कॉर्नर का ब्रीडिंग पेयर उनके घर के लिए गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो सन कॉर्नर गुड मॉर्निंग यूरो कॉर्निंग का ये ब्रीडिंग पेयर मैं आज लेके जा रहा हूँ डांगकुनी, और डांगकुनी में मैं उन्हें आज हैंडओवर करने वाला हूँ। ये काफी बेहतरीन ब्रीडिंग पेयर, इतने सारे ब्रीडिंग पेयर है और काफी अच्छा है, कलर तो टोटली रेड है, कलर के लिए आप देख सकते हैं सारे बर्ड्स के कलर काफी बेहतरीन कलर है, और ओपन एवरी में बर्ड्स अगर रहता है ना तो बॉन्डेड काफी अच्छा हो जाता है, बर्ड्स का कलर अच्छा रहता है, बर्ड्स का हेल्थ अच्छा रहता है, बर्ड्स का बॉडी टेक्चर अच्छा रहता है, हर एक बर्ड्स का बॉडी टेक्चर, आप जितना बड़ा स्पेस देंगे आपका बर्ड्स का, आपका उतना ज्यादा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा, और आपके डाइट के ऊपर, आपके बर्ड्स के फूड के ऊपर, सारे पे डिपेंड करता है आपका बर्ड्स का ये। तो चलिए दोस्तों, ये ज्यादा टाइम नहीं लेके मैं ये सारे बर्ड्स को लेके जाता हूँ कोलकाता के डांगकुनी मार, वहां पे आज 10 पेयर मेरे खूब ही सुंदर सब्सक्राइबर को मैं आज दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको लेकर चलता हूँ डांगकुनी के लिए। मैं सारे सन कॉर्नर के जितने भी ब्रीडिंग पेयर थे मेरे चॉइस के हिसाब से, मैं सारे सन कॉर्नर का ब्रीडिंग पेयर में पकड़ लिया, और कलर आपको मैं दिखा सकता हूँ क्या बेहतरीन सारे सन कॉर्नर के ब्रीडिंग पेयर के काफी बेहतरीन कलर है। तो इसको हम लेके जा रहे हैं कोलकाता के डांगकुनी में लेके जा रहे हैं, हमारा एक भाई है जो सन कॉर्नर का ब्रीडिंग करना चाहते हैं, वो काफी अच्छा ब्रीडिंग ऑलरेडी करते हैं, तो सारे बर्ड्स को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ले लिया, और सारे बर्ड्स को मैं लेकर जाऊंगा कोलकाता के डांगकुनी में, और सारे बर्ड्स को मैं केज में एक साथ मैंने ले लिया हूँ, और यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक मैंने दे दिया हूँ जिससे बर्ड्स को जो ये जो लैटरिंग होगा, क्योंकि 4.5 घंटा का टूर है, मैं पहले इसको आराम से रख देता हूँ, तो मैंने इसको आराम से ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया। कलर आपको दिखाओ तो मेरा तो सब कलर मेरे को इतना पसंद कलर है ना कि सब रेड में, अगर आपको मैं बोलूँ तो सब बेहतरीन कलर के बर्ड्स है, और सारे टोटली एकदम फुल्ली रेड में है। तो ये सन कॉर्नर, ये सारे सन कॉर्नर को मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया हूँ, और यहाँ को मैं सारे बर्ड्स को लेकर अभी जाऊँगा आपके कोलकाता के डांगकुनी में। तो चलिए, बर्ड्स को मैंने दे दिया हूँ, वहाँ पे कुछ फूड्स मैं दूंगा, फूड्स मैं प्रोवाइड देने के बाद हम लोग यहाँ से, आज हमारे टीम सारे यहाँ से निकलेंगे कलकत्ता के डांगकुनी में। तो चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करके हम लोग सबसे पहले अपना वर्क करें, और चलिए हम लोग जाते हैं कलकत्ता के डांगकुनी में, वहाँ पर पहुँच के सारे कुछ वीडियो आपके सामने शेयर करूँगा कैसा रहा टूर, क्या रहा टूर। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों फाइनली हम लोग अभी हाईवे पे हैं, और हम लोग जस्ट डांगकुनी अब पहुंचने वाले हैं, और डांगकुनी पहुंचने के बाद उनको हम लोग ने 10 पेयर जो मेरे पीछे रखा हुआ है, 10 पेयर सन कॉर्नर का ब्रीडिंग पेयर उन्हें देना है जिसे वो ब्रीडिंग करना चाहते हैं, और ब्रीडिंग के लिए ये सबसे बेस्ट होता है, और उनको मैं जो दिया हूँ अच्छा बॉन्डेड पेयर दिया हूँ, बेहतरीन कलर है, और ये लेकर अभी जस्ट पहुँचने वाला हूँ, और लगभग पहुंच ही गया हूं, और 5 मिनट है, बट डांगकुनी से अंदर और भी जाना है, यहां से डांगकुनी 5 मिनट है, बट वहां से अंदर अभी और भी जाना है, तो लॉन्ग सफ़र हो गया, लगभग अभी बज रहा है 1:40-1:45, तो मतलब ढाई बजे तक हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए, अब डांगकुनी में उसे हैंडओवर करके उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो थोड़ा हम लोग ने एसी अवॉइड किया हूँ, इसीलिए कांच खोल कर जा रहा हूँ, एसी बिल्कुल ही चालू नहीं किया था, एसी इसलिए चालू नहीं किया था क्योंकि पहले भी एसी चालू किया था तो रूम थोड़ा ज़्यादा ठंड हो गया था, तो इसीलिए हम लोग अब कांच खोल दिए हैं, पीछे का भी विंडो खोल दिए हैं, हवा जा रहा है, और आराम से अभी हम लोग, तो ये आपका डांगकुनी का ब्रिज आ गया है, अब हम लोग डांगकुनी यहाँ से जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब डांगकुनी में जा के आपका वहाँ पे बर्ड्स उनको देकर वहाँ से बैक होते हैं। जस्ट हम लोग आपका हाईवे पकड़ लिए हैं, और हम लोग अभी दुर्गापुर के लिए जा रहे हैं बर्ड्स देने के बाद, और टाइमिंग आपको अगर मैं दिखा दूं तो अभी बज रहा है रात 11:12, अभी टाइमिंग बज रहा है, और अभी भी यहाँ से 50 से 52 किलोमीटर है आपका, अभी मैं वर्धमान तो जस्ट टच किया हूँ, 50 से 52 किलोमीटर अभी है, इतना जाम है, 2:30 बजे मैंने पहुँचा था, 2:30 बजे पहुँचने के बाद लगभग इतना जाम है कि लगभग मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो दोस्तों, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, हाँ जो लोग दुर्गापुर बर्ड्स फार्म देख रहे हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में पैरोट अभिषेक चैनल का लिंक है,
या तो YouTube पे सर्च करिए पैरट अभिषेक और उसको जाके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा मेन चैनल है, वहां पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मिलते रहेगा। तो दोस्तों आज का बर्ड्स का ये मैंने डिलीवरी है, सन कॉर्निल का ब्रीडिंग पेयर का मैंने कर दिया। जितने लोग भी मेरे को देख रहे हैं, जो भी डांकुनी से है या कोलकाता से है, आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुर्गापुर बर्ड्स फार्म में अभिषेक राम इसी तरह वीडियो आपके सामने लाते रहेगा। सो दोस्तों धन्यवाद।